बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया की एक आसान जीत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि करेंटली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज चल रहा है। फर्स्ट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हुसैन सांतो पहले बॉलिंग चुने थे। पहले बैटिंग करने के लिए उतरने के बाद शुरुआत में टीम इंडिया की हालत नाजुक थी। एक तरफ यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के पारी को संभाल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरता गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। शुभमन गिल तो डक पर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल के 56 रन पर आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया का हालात खराब था। तब रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच एक कमाल के पार्टनरशिप देखने को मिला। रविचंद्रन अश्विन कमाल के सेंचुरी लगाए और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर आउट हो गए थे। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 376 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद 5 विकेट चटकाए और तस्कीन अहमद 3 विकेट लिए। बांग्लादेश के फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा लग रहा था कि बैटर्स फेवर होने वाला है, तो बांग्लादेश को एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने बांग्लादेश के प्लेयर टिक नहीं पाए। कोई भी बैटर अपने पारी को लंबा लेके नहीं जा पा रहे थे। बांग्लादेश का पूरा पारी 149 रन पर ही सिमट गई थी। इंडिया के लिए हर एक बॉलर किफायती रहे और विकेट चटकाए। खासतौर पर जसप्रीत बुमराह 4 विकेट लिए और टीम इंडिया 297 रन से लीड कर रही थी। टीम इंडिया के सेकंड इनिंग्स में फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। इस बार यशस्वी जायसवाल भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस समय में एक पार्टनरशिप की बहुत जरूरत थी। शुभमन गिल और ऋषभ पंत वही पार्टनरशिप लेके आए। दोनों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिला। दोनों बैटर्स ने ही अपने सेंचुरी कंप्लीट किए। जहां शुभमन गिल 119 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वही ऋषभ पंत 109 रन बनाकर आउट हो गए थे। टीम इंडिया अपने सेकंड इनिंग्स में 287 रन पर डिक्लेयर कर दी थी, जिससे बांग्लादेश को जीतने के लिए 515 रन की जरूरत था। बैटिंग करने के लिए उतरने के बाद बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने यह ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। एक तरफ कैप्टन नजमुल हुसैन सांतो बांग्लादेश के पारी को संभाल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरता गया। जब सकीब अल हसन भी 25 रन पर और नजमुल हुसैन सांतो 82 रन पर आउट हो गए, तब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी था और अंत में टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को 280 रन की बड़ी मार्जिन से अपने नाम किए। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम कमबैक कर पाएगी या फिर हमें फिर से टीम इंडिया के टोटल डोमिनेंस देखने को मिलेगा? आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।